हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभित कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंज वाटिका में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस चैनल में कुछ हेज प्लांट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, उन्हें कब और कहां लगाना चाहिए, क्या देखभाल की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों, उन्हें गौर से देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, चलिए कुछ हेज प्लांट्स के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। यूफोरबिया, ये बहुत कॉमन सकुलेंट प्लांट है। ये 3 मीटर हाइट तक जाता है। ये बहुत आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसे बहुत ही कम देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। पेडिलंथस, ये बहुत हार्डी प्लांट है। इसे कटिंग द्वारा आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जा सकता है। क्लेरोडेंड्रम, ये पौधा ऑर्नामेंटल और प्रोटेक्शन हेज के लिए बहुत सूटेबल है। इसकी पत्तियां आकर्षक और क्रीम कलर में होती हैं। ये बहुत कम देखभाल वाला और कभी कभी पानी देने वाला पौधा है। ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है जो 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जाता है। बोगनविलिया, ये बहुत ही प्रोटेक्टिव और ऑर्नामेंटल प्लांट है जो हेज के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इनकी लगातार ट्रिमिंग होनी चाहिए। ये 60 से 90 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जा सकता है। इसके पौधे को थोड़ा वायर आदि से सपोर्ट देने पर अच्छा चलता है। करीसा, इसमें कांटे आदि होने से ये एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्टिव हेज प्लांट है। इसमें गर्मी में फ्रूट्स आते हैं। इसके बीज 60 से 75 सेंटीमीटर दूरी पर बोए जाते हैं। इसे स्टेम कटिंग से भी बनाया जा सकता है। जेट्रोफा, ये एक पॉइजनस पेरिनियल शब प्लांट है। ये 5 मीटर हाइट तक बढ़ता है। इसको लगाने से गार्डन आदि में जानवरों से होने वाले नुकसान की बचत होती है। इसे बरसात में कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। ड्यूरांटा, ये जल्दी उगने वाला अनेक स्टेम वाला पौधा है। ये बैकग्राउंड प्लांटिंग और हेज के लिए उपयुक्त पौधा है। इसमें पेल ब्लू फ्लावर्स समर्स में आते हैं और गोल्डन ऑरेंज कलर में पेरीज होती हैं। इसकी वेरीगेटेड और गोल्डन येलो वैराइटीज बहुत ऑर्नामेंटल दिखती हैं। इससे 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जा सकता है। लवसोनिया, ये हेज का पौधा 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसे ड्राई कंडीशन में आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें सफ़ेद अच्छे खुशबू वाले फूल आते हैं। इसकी पत्तियों को नाखून और कड़ाइयों को कलर करने में इस्तेमाल करते हैं। इसको शेप में रखने के लिए कटाई की आवश्यकता होती है। ये सीड या कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग या सीड को 40 से 60 सेंटीमीटर दूरी पर लगाया जा सकता है। मुराया, ये 3 मीटर हाइट तक उगने वाला पौधा है। इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर में बहुत आकर्षक होती हैं। इसमें बरसात के मौसम में सफ़ेद सुगंधित फूल आते हैं। इस पौधे को शेप में रखने के लिए अच्छी कटाई की आवश्यकता होती है। इसके पौधे बीज या एयर लेयरिंग से बनाए जा सकते हैं। हिमालया, ये बहुत ही आकर्षक ऑर्नामेंटल शाइनिंग फोलियज वाला पौधा है। इसकी अच्छी कटी हुई हेज देखने में बहुत सुंदर दिखती है। ये फेंस पर बहुत अच्छी चलती है। ये लाइट शेड में या फुल सन में भी अच्छे चलते हैं। ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर लगाए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।